मास्क की कीमत 5 रुपया 10 रुपया हो सकती है, पर जीवन अनमोल होता है। और सभी परिवार के मुखियाओं से और सभी बहन बेटियों से, देश भर के नौजवानों से मेरी एक अपील है कि मास्क खरीदें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। भीड़ भाड़ वाले शहरों में, बाजार मार्केट में अगर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आस मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज। खबर है सहारनपुर से। केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो न करने पर देश भर के प्रशासनिक अधिकारी रोड पर मास्क न लगाने पर चलान काटते हैं, रसीदें बनाई जाती हैं, बाइकों के चलान काटे जाते हैं। वहीं आज हम आपको ले चलते हैं इसी कड़ी में, जनपद सहारनपुर के सीएमओ दफ्तर के कर्मचारी भी उड़ा रहे हैं सरकार के आदेशों की धज्जियां। जी हां, हम आपको बता दें कि दिनांक 23 जनवरी 2021 को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद सहारनपुर जिला अस्पताल सीएमओ दफ्तर पहुँचा। देश के हर एक व्यक्ति को फोन कॉलर्स के माध्यम से, कॉलर ट्यून्स के माध्यम से 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और देश भर के अंदर चप्पे चप्पे पर, चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जहां चालान काट दिए जाते हैं मास्क को लेकर, वहां आज हम आपको बता दें इसी कड़ी में जनपद सहारनपुर के सीएमओ दफ्तर के कर्मचारी उड़ा रहे हैं सरकार के आदेशों की धज्जियां। जबकि मामला जनपद सहारनपुर का है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। आपको बता दें कि दिनांक 23 जनवरी 2021 को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद सहारनपुर के जिला अस्पताल सीएमओ दफ्तर पहुंचा, जहां पर देखने को मिला कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग ही सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस देश बचाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, मास्क को लेकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाता है, मास्क ना लगाने पर बाइक सवारों के चालान काट दिए जाते हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की धज्जियां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही उड़ा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। सहारनपुर जिला अस्पताल सीएमओ दफ्तर का तो नजारा ही कुछ और है, जहां नमक कर्मचारी ने सरकार के आदेशों की खुली खुली धज्जियां उड़ा रखी हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। सुनो जनता की आवाज न्यूज के मुख्य संपादक एवं दैनिक द टाइम्स समाचार पत्र के सहारनपुर उपमंडल प्रभारी गुफरान मलिक एवं पत्रकार आसमान शाह, पत्रकार हाकिम अली शाह, सुधीर सैनी एवं सम्मानित पत्रकार साथी एक बेंच पर बैठकर वेट कर रहे थे। दो पत्रकार साथी डॉक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे तो ही स्वास्थ्य विभाग के अधिवक्ति आए और पत्रकारों पर बरतने लगे। जैसे ही पत्रकार गुफरान मलिक जी ने उनसे सिर्फ एक मास्क का सवाल कर दिया, जिस पर वो ज्यादा आक्रोशित हुए और गुस्सा फिर क्या उनका सातवें आसमान पर पहुंचा। देख सकते हैं आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देख लीजिए, ये रिपोर्ट लिख ने कर्मचारी से ये सवाल कर दिया कि आपने मास्क नहीं लगाया है, फिर क्या था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का तो पारा ही चढ़ गया और सभी पत्रकारों को धमकाने, धक्का मुक्की करने लगा, बाहर खेदने लगा, लेकिन पत्रकार गुफरान मलिक बार बार कर्मचारी से ये सवाल करते रहे कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, और कर्मचारी भड़कते हुए आपा खो बैठे, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने लगे, जिस घटना को पत्रकारों ने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर सहारनपुर की घटना है, जनता को दिखाई जा रही है कि जहां आम जनता को मास्क के लिए सख्त आदेश किए जाते हैं, वहीं सहारनपुर जिला अस्पताल सीएमओ दफ्तर में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती है पत्रकारों के आत्मसम्मान की, जहां पर परिचय देने पर भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं बदसलूकी, ऐसे कर्मचारियों पर कब होगी कार्रवाई, और देखें ये पूरी रिपोर्ट। मंडल प्रभारी हूँ, सुनो जनता की आवाज़, मैं क्या करूँ, आप ऐसे अपमान करोगे, कोई नहीं पत्रकारियों, मेरा क्या काम है, ऐसे अपमान करोगे, मेरा क्या काम है, ऐसे अपमान करोगे, मेरा क्या काम है, आपका क्या राइट है धक्के देने का, धक्के कौन आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, धक्के देने का राइट आपको किसने दिया है, कौन से धक्के दिए मैंने, ऐसे बात की, अरे मैंने कौन से धक्के दिए, और कैसे बात की जा,
कैसे करूँ मैं बात, कैसे करूँ मैं बात, तरीका है आपके। अरे अपना काम कर, हाथ पैर, हाथ पैर मत फेंकना। मैं तो कह रहा हूँ हाथ पैर मत फेंकना। सब जी कर रहा है, सब जी कर रहा है, सब जी कर रहा है, सब जी कर रहा है। आप सरकार के आदेशों की मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क कहाँ है आपका? मास्क दिखाओ, सर विषय क्या था? ये बात यहाँ तक पहुँची क्या था सर? कि यहाँ पर पत्रकार लोग अधिकारियों से मिलने आए, हमारे दो व्यक्ति अंदर चले गए जी सर। ये साहब आते बैठे हुए लोगों को अकड़ के साथ कहते बाकी सब बाहर निकलो। ये जो आपसे झगड़ रहे थे सर, ये झगड़ रहे थे जी। उसके बाद इनसे पूछ लिया गया, भाई ऐसे बात नहीं क्या करते जी, हम लोग पत्रकार हैं, फिर तो आप ऐसे बाहर, और आप तो हम सबसे अच्छी चीज ये दिखा जी रहे हैं। जी सर, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है जी सर, और आप ये देखिए इनके पास मास्क नहीं है जी सर। मास्क का आदेश लेके केंद्र से और प्रदेश सरकार तक, और जहां तक पत्रकारों का सवाल है कि बार बार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पत्रकारों के आत्मसम्मान की बात कर रही है जी सर, लेकिन ये लोग जो है किस तरीके से पत्रकारों से व्यवहार कर रहे हैं वो आप लोगों ने देख लिया है। दिखा रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर कार्यालय पर जो हुआ आपने देखा। दैनिक अर्धा टाइम्स में आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक अर्धा टाइम्स न्यूज़।